शुरू करते हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, माइटोसिस को थोड़ा सा और आगे प्रोसेस करते हैं। अभी तक बात सारी समझ में आ गई है? कोई कन्फ्यूजन मौजूद है? मेरा ख्याल सर नहीं समझ में आ गई। अब इतने डिटेल डिस्कशन के बाद तो मेरा ख्याल है कि सारी बात समझ में आ रही होगी। जी सर, समझ आ रही है। ठीक है, वरीशा की भी आ रही है? यस सर। वेरी गुड। खतीजा की भी आ रही है? बारिश की तो आ रही है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम गुफ्तगु में थे जनाब। ये स्क्रीन शेयर हो गई आपको? नो सर, अभी नहीं हुई। यस सर, अब हो गई। वही चला रहे जहाँ मैं छोड़ा था। यस सर। यस सर, अब इसे फर्दर आके लेके चलते। ठीक। अच्छा मुझे बताएं, थोड़ा सा मैं तेज चलूं या जो तरीका है इसमें चलते रहे? सही है, बात समझ में आ रही है? थोड़ा स्पीड अप लूं? नहीं सर, यही सही है सर, समझ में आ रही है बात। ठीक है, बाकी सब? यस सर, जैसे पूरा समझ आने वाला तरीका ज्यादा बेस्ट होगा। चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आगे चलते हैं जनाब। ये जो है हमारे पास सेल साइकिल, और सेल साइकिल में जो हिस्सा देखिए येलो हुआ है, ये कौन सा हिस्सा है जरा कोई बताएगा? एस फेज, सिंथेसिस। एस फेज है, सिंथेसिस फेज है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? अनरिप्लिकेटेड क्रोमोसोम। अनरिप्लिकेटेड क्रोमोसोम, जो रिप्लिकेट नहीं हुआ, मतलब वो सिंगल स्ट्रैंडेड है इस वक्त। ओके, उसने क्या किया अपना, जल्दी पढ़े क्या लिखा हुआ है? डीएनए अपने ऊपर अपनी ही कॉपी बना ली, तो वो सिस्टर क्रोमेटिड बन गया। देखिए आज हमारे पास वो इंतजार नहीं है, वरना उनको भी बात जो थी वो कन्फ्यूजन थी उनकी माशाल्लाह से क्लियर हो जाती। ठीक है, खैर वैसे काफी गुफ्तगू रही, व्हाट्सएप पे भी माशाल्लाह बेहतर हो गया उनका। तो इसने एक क्रोमोसोम ने क्या किया, अपने ऊपर दूसरी कॉपी बना ली, एस फेज की बात कर रहे हैं। और अब वो रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम, मतलब अब देखिए क्या लिखा, रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम, यानी कि अब ये भी क्रोमोसोम कहला रहा है और इसके ऊपर आने वाला भी क्रोमोसोम कहला रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं स्लाइड के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। क्या कहा इसने जनाब? रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है जनाब? रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम के अंदर पहला पॉइंट क्या बता रहा है? रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस। रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेटिंग अ क्रोमोसोम। ठीक है ना, सिंपली बता रहा है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो वो प्रोसेस असल में क्या होगा कि क्रोमोसोम को डबल कर रहा होगा। ठीक है, कहां होता है, कब होता है? अकर्स प्रियर टू डिवीजन। प्रियर, प्रियर मतलब पहले, डिवीजन एम फेज से पहले। ये जो एम फेज बना हुआ है ना, जहाँ एरो बना हुआ ना, इससे पहले जो 1, 2, 3, 4 फेजेस बने हैं एम फेज के, इससे पहले पहले येलो हिस्से में हो गया। पता लगा कि माइटोसिस एम फेज के अंदर किसी किस्म की कोई डीएनए की कॉपी नहीं बननी, पहले होगा जो कुछ होगा। रिप्लिकेटेड कॉपीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये सिस्टर क्यों कहा गया भाई? सर उस जैसा है ना। एग्जैक्टली, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल उसी की कॉपी। सवाल है सर, ये डॉटर सेल्स और ये सिस्टर क्रोमेटिड सबको जो है ये सिस्टर या डॉटर क्यों कहते हैं? सिस्टर या डॉटर इसलिए कहते हैं, वेरी गुड, अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मसला ये है कि यूनिसेलुलर बेस के ऊपर कोई सेक्सुअल प्रोफाइल डिफाइन नहीं होती कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है ना, मतलब एक सेल के ऊपर कोई चीज डिफाइन नहीं होती कि ये मेल सेल है या फीमेल है। इसलिए तमाम साइंटिस्ट ने एक बात पे इत्तेफाक किया कि भाई जो भी अनडिफाइंड सेक्स होगा यूनिसेलुलर के अंदर, तो उसको हम सिस्टर डॉटर के हिसाब से ही कॉल करेंगे, ताकि कंफ्यूजन जो है ना वो खत्म हो जाए, क्योंकि कोई यहाँ पर सेक्सुअल डिवीजन नहीं है। अभी जो क्रोमोसोम है, अब मुझे बताएं एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है या ऑटोसोम है, कौन सा है, बता सकते हैं हम? नो सर, नहीं बता सकते। 46 में से कौन सा 23 नंबर पर है, कौन सा ऑटोसोम में, कौन सा सेक्स क्रोमोसोम में? ठीक है ना, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर है तो वाई कौन सा और एक्स कौन सा है, फिर ये हमारी बात की बात है, सेक्स डिटरमिनेशन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बात हेल्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से मिलता है, ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। अकर्स इन द इंटरफेज, देखिए अब बता रहा है आपको कि वो येलो फेज के अंदर हो रहा है ये सारा काम। ठीक है, दैट इज द सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो एक के ऊपर दूसरा
बना है, ठीक, दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स है। इसी तरह का दूसरा और सेंट्रोमियर पोजीशन भी बता रहा है आपको। इसी तरह अगर क्रोमोसोम एक और होगा कोई और, तो उसका उसका जो सिस्टर क्रोमेटिड होगा इसका नॉन सिस्टर होगा वो वाला, यानी कि जैसे एक क्रोमोसोम ये है एक क्रोमोसोम ये है, तो इसका ये वाला जो होगा इसके दूसरे वाले का नॉन सिस्टर होगा, ठीक है। वो क्यों होगा वो भी हम आगे जाके बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्या हेडिंग है जनाब, हेडिंग पढ़ दिया करना फोन में, कि मेरे पास हेडिंग रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम, रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम जिसके अंदर रिप्लिकेशन हो चुकी है। जीन एक्स रेड वाली, इस तरह दोनों क्या है, सेम जीन डिफरेंट एलील, ठीक है, जीन सेम है एलील डिफरेंट है। एलील मींस कॉपी ऑफ द जीन, लिख लें जरा इसको ए डबल एल ई एल, कॉपी ऑफ द जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज एलील, कॉपी ऑफ द जीन या अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, यानी कि पेंसिल की अल्टरनेट फॉर्म क्या है जनाब, कोई दूसरी पेंसिल या ब्लैक कलर, ठीक है, पेंसिल के अंदर जो कलर बॉक्स में जो, इसी तरीके से अल्टरनेट फॉर्म मतलब जैसे कि फिजिक्स की जगह कोई दूसरा टीचर एंगेज ले फिजिक्स का ही हो सब अल्टरनेट होगा, लेकिन फिजिक्स की जगह बायो का आ जाएगा तो अल्टरनेट नहीं कहलाएगा, ठीक, यानी कि काम उसका वही हो तब वो अल्टरनेट कहलाता है, दैट इज नोन एज द एलील। अब वो कह रहा है कि जो पहला वाला क्रोमोसोम दिखाया ये वाला क्रोमोसोम, इसके अंदर क्रोमेटिड्स कितने हैं, दो, ठीक है, और ये रहा इसका सेंट्रोमियर जो ब्लैक लाइन ये वाली आ रही है, और कह रहा है कि दोनों के ऊपर रेड वाले जीन लगी हुई है, फॉर एग्जाम्पल रेड जीन जहां पर यहाँ रेड लगी है उसके दूसरे वाले पर भी रेड ही लगी है, ठीक, इसी तरीके से जहां नीचे वाले में येलो लगी है उसके सामने वाले में भी येलो लगी हुई है, तो ये क्या कहला रहे हैं, एक दूसरे के होमोलोगस। मसलन ये जो ये एक क्रोमोसोम ये दो क्रोमोसोम, ये दोनों क्या कहला रहे हैं, आपस में एलील भी कहला रहे हैं और एक दूसरे के होमोलोगस भी हैं, अंडरस्टैंड नाउ, एक दूसरे के होमोलोगस, यानी कि रेड रेड का होमोलोगस है और येलो येलो का होमोलोगस है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, कंफ्यूजन होगी यहाँ पर तो आगे जाके मसला होगा। रेड रेड का होमोलोगस है और येलो येलो का होमोलोगस मतलब जी बेटा सेम जीन डिफरेंट, हां हैविंग द सेम जीन इन इन हैविंग द सेम जीन एग्जैक्टली ऑन द अपोजिशन पोजीशन, एक दूसरे के बिल्कुल सामने, जैसे अगर यहां पर कलर के जीन है तो यहां भी कलर के जीन होगी एग्जैक्टली, ठीक है। कौन स्टूडेंट आ गए बेटा, ये दो और स्टूडेंट आ गए, ये हिबा राशिद दो दफा क्यों आ रही है, चलें देखते हैं कौन है, ठीक हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया। ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सेम जीन सेम एलील, ओके। अब देखिए नॉन सिस्टर भी बताया गया यहाँ पर, मतलब जो इसका नीचे वाला है ये इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, हाँ नीचे वाला ऊपर वाले का, लेकिन नीचे वाले के दोनों एक दूसरे के लिए होमोलोगस है और सिस्टर है, ओके, ऊपर वाले के दोनों एक दूसरे के लिए होमोलोगस है और सिस्टर है, अंडरस्टैंड, सब लिखा हुआ है, देखिए होमोलोगस सेपरेट इन मियोसिस वन एंड देयरफॉर डिफरेंट एलील सेपरेट, क्या कह रहा है कि जब मियोसिस वन होगी ना वन, तो जब ये होमोलोगस आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जब सेपरेट होंगे तो क्या होगा, जीन सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि फादर के जो 46 क्रोमोसोम होंगे वो 23 रह जाएंगे, और 23 के बाद जो जीन होगी, जो 23 सेपरेट होंगे उनके पास भी वही जीन थी, लेकिन एक सेट काम करेगा, दोनों सेट काम नहीं करेंगे, ठीक है, एक जीन अलग हो जाएगा सेट लेके, दूसरा जीन सेट लेके अलग हो जाएगा। दोबारा रीडिंग करें इसकी, होमोलोगस सेपरेट इन मियोसिस वन एंड डिफरेंट एलील सेपरेट, डिफरेंट एलील जो होंगे वापस में दूसरे से, देयरफॉर द डिफरेंट एलील सेपरेट, वो एलील सेपरेट होगा, ठीक, इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ, सही, डिफरेंट एलील्स का समझ में नहीं आ रहा, डिफरेंट एलील ना, अब जो ये दो एलील जो थे अब वो एक दूसरे से अलग हो गए, सेपरेट हो गए, इस तरह येलो वाला भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो तो सर फिर डिफरेंट क्यों हुए थे, नहीं कह रहा कि अब डिफरेंट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो गए ना, नाउ देयरफॉर द डिफरेंट एलील सर, मतलब जो आई सर, अगर जैसे कोई आई की जी एलील थी और वो दूसरी येलो वाली भी आई की थी, दोनों अलग हो गए तो रही तो आई की ना, फिर डिफरेंट कैसे हुई, नहीं 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 वो दोनों आए की रहे, लेकिन अब ये काम एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे, ये अलग अपनी कॉपी जाके बनाएगा, वो अलग अपनी कॉपी जाके बनाएगा,
अब ये दोबारा नहीं मिलेंगे एक दूसरे के साथ, ये दोनों यानी कि फैमिली अलग हो गई। हाँ, अब ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो गए, ठीक है। जहां भी कोई देखें कुछ कंफ्यूजन रहती है तो वो आने वाले टॉपिक्स के साथ साथ क्लियर भी हो जाती है या बढ़ जाती है, तो फिर वो सॉल्यूशन होती पर निकल जाती है कि भाई फिर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, ठीक होगी बात। देखें अब वगैरह ये ऊपर चली जाएगी वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर दुआ की बात को कंसिडर कर लें तो कह रहा है कि येलो एक अलग जीन है, रेड एक अलग जीन है, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, रेड वाला येलो का, येलो वाला रेड का, बैठे एक ही सेल में, येलो वाला क्या एक सेल है। इस तरह हम बात कर रहे हैं 46 क्रोमोसोम रखे हैं, तो इस तरह जो दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो वी कैन से दैट कि रेड वाली येलो वाली से अलग है, साथ रखी थी, अब वो अलग हो गए, अब वो डिफरेंट जीन जो थी वो डिफरेंट एक दूसरे से अलग हो गई, ठीक हो गई बात। इस तरीके से नेक्स्ट में क्या लिखा है जनाब, मियोसिस फॉर्म्स हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड गैमेट्स, अलाउद्दीन साहब अब आए इतने अर्से बाद। हाँ, मियोसिस फॉर्म द हैप्लॉइड गैमेट्स, कैसे फॉर्म करता है जरा देखते हैं। मियोसिस मस्ट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को लाजमी रिड्यूस कर देगा बाय हाफ, आधे आधे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली आधे, 50 के 25, 100 के 50, 2000 के 1000, 1000 के 500, एग्जैक्टली आप करेंगे। फर्टिलाइजेशन देन रीस्टोर द टू एन, जैसी फर्टिलाइजेशन होगी फादर और मदर की, दोबारा से रीस्टोर, रीस्टोर मतलब दोबारा से एग्जैक्ट नंबर पे आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर गुलाब का यानी कि रोज का पोलन ग्रेन अगर गेंदे के फूल पे जाके गिर जाता है, चमेली के फूल पे जाके गिरता है, मोती के स्टेगमा पे जाके गिरता है, तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि वहां क्रोमोसोम नंबर डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए वहां पर केमिकल अटैचमेंट होगी नहीं। दो बार फर्टिलाइजेशन दोबारा बना देती है, देखिए यहां से फ्रॉम मदर फ्रॉम डैड, ठीक, बेबी क्या बन जाएगा जनाब आपके पास, अगर टोटल क्रोमोसोम टाइप है, फॉर एग्जांपल टोटल कैरियोटाइप कितनी है, मदर की कितनी है भाई, 2, फादर की भी कितनी है, 2, दोनों ने 2-2 शेयर कर दिए, बेबी क्या हो गया, 4। जो हम पीछे बात डिस्कस करके आ रहे हैं, अंडरस्टैंड, फॉर्मूला लगेगा कि बच्चा सेट हो जाए, सही, दोनों क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे तो जो बेबी जब बनेगा तो सर वो करेगा, वो डिप्लॉयड हो जाएगा, मियोसिस, वेरी गुड, ठीक है, दैट इज आंसर। इसलिए इसने कहा कि मियोसिस रिड्यूस द जेनेटिक कंटेंट, इसने भी 2 को 1 कर दिया, इसने भी 2 को 1 कर दिया, अब मदर ने भी 1 डोनेट किया और फादर ने, बेबी अब क्या बनेगा जनाब, डिप्लॉयड, इज इट राइट और द रॉन्ग, राइट नॉट इज राइट, इस तरह हम कंफ्यूजन को अपना के लिए द राइट नंबर, ओके, और वाले 2 मच बहुत ज्यादा है, मेरा ख्याल है कि स्लाइड ने काफी कुछ क्लियर किया होगा, यस सर, जी सर, यस सर, चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्या है जरा, मियोसिस 2-part cell division, ठीक है ना, 2 parts में है, यानी कि division 2 हिस्सों में होती है, पहली कौन सी है जनाब, अच्छा क्या कह रहा है जरा गौर से समझिएगा जरा इस स्लाइड को, बहुत गौर से स्लाइड आपकी समझ में आ जाएगी, तो मियोसिस का जो बारीक प्रोसेस है आगे जाके वो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है जनाब, ये इस वक्त जो सेल है कितने क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नजर आ रहा है, जल्दी से बताए, इसमें 4 है, 8, 4 क्रोमोसोम है इसके अंदर, ओके, 8 क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नहीं, अभी अभी डबल स्ट्रैंडेड कितने हैं, 4 है, डबल स्ट्रैंडेड 4 है, 4 है, ठीक है, ये 4s के बाद हुआ है, ठीक है, ये 4s के बाद हुआ है, ठीक है ना, अभी जो 4 हुए हैं, लेकिन जैसे मारिज ने 8 क्यों बोला, कोई बताएगा, सिंगल स्ट्रैंड करके बताया, और सिंगल स्ट्रैंड बताया की वजह से शायद उन्होंने बताया कि एक पे की कॉपी, तो वैसे उन्होंने कहा कि 8 क्रोमोसोम, हां वेरी गुड, शाबाश, अवरीशा ने भी बहुत खूब बताया है, मैंने भी कि सिंगल थे जब वो एस फेज में गए तो उन्होंने अपने ऊपर अपनी सिस्टर कॉपी बना ली, तो 4 के कितने हो गए, 8 हो गए, 8, अब वो कह रहा है 8 होने के बाद जब वो मियोसिस 1 खत्म करेगा तो कितने सेल बनाएगा, 2 सेल्स, 2 सेल्स, दोनों में कितने,
फोर फोर या टू एन टू आप मुझे बताएं जो फोर फोर नजर आ रहे हैं क्या इस वक्त ये रिड्यूस हो गए लेकिन लेकिन अगर आप पहली पिक्चर को देखें और दूसरी को देखें यानी पहली पिक्चर के पहले फेज को देखें तो देखने में तो ऐसे लग रहा है कि आप देव गए लग रहा है ना यस सर लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि दैट सीम्स टू बी हाफ देखने में लगेगा आप देव गए लेकिन एक्चुअली दे आर स्टिल डिवाइड डिप्लॉयड विल बी डिवाइड लेकिन अभी क्या है डेप्लॉयड है ओके ये क्या कह रहा है इस डेप्लॉयड को हैप्लॉयड होना है और अब जो काम होगा ना वो होगा क्या कि जो ये मियोसिस टू में जो काम होगा अब क्रोमोसोम जब टूटेगा ना तो ये अलग अलग नहीं टूटेगा ये सेंटर से ऐसे टूटेगा ये सेंटर से इसका सेंट्रोमियर इस तरह टूट जाएगा और फिर ये अब देखिए अल्टीमेटली जब मियोसिस टू भी खत्म हो जाएगी तो कितने सेल बने टोटल फोर सेल्स फोर डॉटर सेल्स हर एक में कितने हैं तो फोर का आधा टू हो गया तो रिड्यूस टू हाफ हो गया ओके बस पेरेंट्स के अंदर डबल में थे और बेबी में कितने में है सिंगल स्टैंडर्ड में सिंगल स्टैंडर्ड ठीक है लेकिन है वही एक ग्रीन का और एक ब्लू का ठीक है ये डायग्राम को समझ में आई या तो किसी को कंफ्यूजन है दुआ को स्पेशली या किसी को क्योंकि दुआ अच्छे क्वेश्चन करती है इसलिए इसको बता रहा हूँ या वरिषा माशाल्लाह कर लेती है कि एक मियोसिस वन समझ में नहीं आ रही जी बेटा मियोसिस वन में सर ये कैसे मतलब एट थे मतलब फोर थे फिर टू टू हो गए तो सर ऐसे तो माइटोसिस में भी होता है ना कि सर आपने बताया था ना कि माइटोसिस सर जब यहाँ तक सेम होती है मियोसिस और माइटोसिस में से कंपैरिजन होता है शाबाश एक्चुअली दुआ की कुछ क्लासेस मिस हुई हैं इसलिए सर थोड़ा सा मिसिंग हुई हुई है मैंने पहले ही बताया था जैसे एबा इशारा कर रही है कि माइटोसिस वन तक मियोसिस वन तक और माइटोसिस तकरीबन एक ही है थोड़ा बहुत चेंज होता है वो बहुत बारीकी वाला है लेकिन ओवरऑल तकरीबन सेम है ठीक है यहाँ वो क्या बात कहना चाह रहा है कि इस सेल में टोटल कितने नजर आ रहे हैं आपको डबल वाले चार और सिंगल कर लेंगे तो आठ ठीक है और ये सेल बना है एस फेज के बाद या एस फेज में कर लें ठीक है ना एस फेज में कर लें कि चार थे हर एक ने अपनी कॉपी बना ली तो कितने हो गए आठ हो गए उन आठ ने पहले अपने आप को दो में डिवाइड करके चार चार में डिवाइड किया फिर उस चार ने अपने आप को इन दो ने अपने आप को चार सेल में डिवाइड करके हर क्रोमोसोम ने अपने आप के बीच में से तोड़ के एक एक हर एक ने तोड़ किया दो टूटे तो हर एक के पास दो दो आ गए चार टूटते हर एक के पास चार चार आ जाते तो जितना पेरेंट में था उसका आधा बेबीज में आ गया और जब ये चार सेल्स बने हैं ना दे आर ऑल द स्पर्म और ओवा अगर मेल में हुई है तो स्पर्म है या फीमेल में हुई है तो ओवा है बस फीमेल और मेल में एक फर्क होता है कि मेल के चारों के चारों स्पर्म कहलाते हैं और चारों के चारों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं फीमेल में इन चारों में से एक फंक्शनल होता है बाकी तीन नॉन फंक्शनल होता है ठीक है सर एक सवाल करूं जी जी सर अगर स्पर्म जो है वो गलती से रॉन्ग ओवा में घुस गया तो क्या होगा रॉन्ग ओवा क्या होगा यानी कि आपने कहा ना चार होते हैं चार में से तीन जो नॉन फंक्शनल होते हैं और एक फंक्शन वो पहले ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा फंक्शन होगा ही नहीं उसका आगे तो लेकिन सर जब एक स्पर्म चला गया तो उसके बाद फिर बाकी तो नहीं जा सकते नहीं नहीं सवाल दोबारा करें क्लियर करके सर मेरा सवाल ये है जोर से मेरा सवाल ये है कि एक स्पर्म जो है वो नॉन फंक्शन ओवा के अंदर अगर चला गया तो क्या होगा क्योंकि स्पर्म तो एक बार जाने के बाद जो वो बाकी के आ ही नहीं सकते नहीं नहीं हर एक ओवा के अंदर एक जा सकता है एक ओवा अपने ऊपर एक बनाता है पूरी हाँ जवाब जरिए जवाब दे सर इनका कहने का मतलब है कि आपने बोला है जो ओवा में वो सिर्फ एक काम का होता है बाकी तीन नहीं होते और जो स्पर्म होते हैं वो चारों काम के होते हैं इनका क्वेश्चन ये है ठीक है कि अगर कोई स्पर्म है अगर ओवा के पास चला जाएगा जो नॉन फंक्शनल है तो वो कैसे मतलब कोई उसमें हो जाएगी प्रॉब्लम तो बात ये है कि जो वहां पे मतलब
जहाँ जेनेसिस होती है वहां से सिर्फ एक ओवम ही आता है जो कि फंक्शन पूरा करेगा, जिसके साथ फर्टिलाइजेशन होगी, इसलिए वहां मिस्टेक का सवाल ही नहीं पैदा होता। और वहां पर सिर्फ फंक्शनल ओवा जाएगा, नॉन फंक्शनल पहले ही डिसइंटीग्रेट हो जाता, मतलब नॉन फंक्शनल पहले ही आगे प्रोसीड करता ही नहीं है। तो फेलोपियन ट्यूब के जरिए जो फिटस के अंदर ओवा आता है वो बिल्कुल कौन सा आता है, जिसने रिप्रोडक्शन राइट वन होता है, 23 क्रोमोसोम उसके पास हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा चलें जनाब सर। जी बोलिए सर। जैसे आपने कहा था कि अगर दो अलग अलग जीन्स मिलती हैं तो फिर वो जीन की सीक्वेंस वगैरह में चेंजेस वगैरह आ जाती हैं, तो सर अगर मेल की मतलब 23 जो उधर से आएंगे क्रोमोसोम्स और इधर है ना फीमेल की 23 होंगी, तो अलग अलग जीन्स मिलती हैं, तो सर फिर ऐसे कोई सीक्वेंस में चेंज होके गलत नहीं होती? बहुत यानी दुआ ने बहुत आगे का और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया बेटा। ये क्वेश्चन आपके पास क्लियर करूंगा मैं जब क्रॉसिंग ओवर पढ़ाऊंगा, वहां क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। ठीक है सर, जब क्रोमोसोम नंबर अगर सही बोला सर, 46 से सर प्रॉब्लम हो जाती है ना कि 46 से ज्यादा हो जाए, मतलब सर एबनॉर्मलिटी आ जाती है फिर ऑफस्प्रिंग में। जी जी सर, आई थिंक शायद ये पूछना चाह रही हैं, मतलब अगर क्रोमोसोम नंबर ज्यादा आ रही है कि जब मदर और फादर की जीन मिलती है तो वो जीन्स तो अलग अलग होती है, जब अलग अलग होती है तो सीक्वेंसेस तो अलग अलग बनेंगे, तो बेबी को तो बहुत सारी गड़बड़ हो जानी चाहिए, प्रॉब्लम हो जानी चाहिए। तो यहाँ हमने आपको एक बताया था, लेकिन मैं थोड़ा छोटा सा आंसर जरूर देता हूँ दुआ को, कि हमने बताया था कि चार किस्म की क्रोमोसोमल एब्रिएशन है, फोर टाइप्स। कौन कौन सी है जनाब? डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। तो शुरू की तीन खतरनाक है और ट्रांसलोकेशन हमने कहा था कि मोस्टली होती है और दैट इज बेनिफिशियल। तो मदर फादर की जीन में मोस्टली ट्रांसलोकेशन होती है, और जो पेयरिंग जीन होती है, जो कोलेबरेटेड जीन होती है, वो पीसेस आपस में कोलेबरेट करते हैं और न्यू वेरिएशंस बेबीज के अंदर लेके आते हैं। जैसे आईज का कलर है, हाइट का होना है, कलर का अच्छा होना है, बालों के अंदर और अच्छाई होनी है, और बहुत सारी चीजों के अंदर। यानी कि वो दोनों डिफरेंट मिलके तीसरा डिफरेंट बनाते हैं। यस एग्जैक्टली, यानी कि एक नई चीज प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब पानी के अंदर आप रूह अफ़ज़ा डालेंगे, पानी और चीनी का शरबत है, लेकिन उसमें रूह अफ़ज़ा डालेंगे एक नई चीज बन गई। अच्छा रूह अफ़ज़ा के अंदर आप स्क्वैश भी डाल दें और एक नई चीज बन जाएगी, उसमें थोड़ा सा ग्रीन शरबत मिला दे और टेस्ट चेंज हो जाएगा, तीन कोल्ड ड्रिंक्स को मिला दे आप आपस में, बर्फ डाल दे तो गोलागंडा बन जाएगा। हाँ गोलागंडा, जब भी तो कहते हैं उसको गोलागंडा। ठीक है ना? ठीक है दुआ, बात समझ में आ रही है सर? तो मतलब हाइट की जीन अगर फादर के, तो मदर की भी हाइट की से जाके मिलेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है ना। होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ही यही है कि वो अपने जैसे सिंगल क्रोमेटेड सिंगल क्रोम अपने जैसे से जाके मिलेगा। सर इसके बाद में फाइट होती है क्या कि जो जीतेगा फिर उसकी हाइट आएगी? जीतेगा अगर जीन स्ट्रांग होगी तो वो काम करेगी, जीन अगर जिसकी वीक होगी वो रिप्रेस करेगी, कहते हैं ना यानी कि फाइट होगी। रिसेसिव भाई, टॉल इज द डोमिनेंट ऑन द ड्वार्फ, यानी कि छोटे कद की हाइट पर टॉल हाइटेड बंदे की हाइट जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, लेकिन सर अगर टॉल और ड्वार्फ मिल जाए तो वो नॉर्मल से ज्यादा हाइट बढ़ सकती है उसकी, तो ऐसा भी तो टॉल और ड्वार्फ मिल जाए तो टॉल होगी इस तरह? नहीं सर, तो अक्सर टॉल से भी टॉल हो जाएगी। हम आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे ना, मेंडलिज्म पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 7 वेरिएशन एंड जीन, वो आपको फिर सही तरह सारी कंफ्यूजन क्लियर करेगा। देखिए एक प्रोसेस होता है डोमिनेंसी का, डोमिनेंसी मतलब दो जीन मिलेंगी ना, एक काम करेगी एक काम नहीं करेगी। इसरा बेटा कुछ कहना चाह रही है? नो सर। जब दो जीन आपस में मिलेंगी तो अगर कोई जो डोमिनेंट जीन होगी वो रेसेसिव को खत्म करके अपना काम करेगी, लेकिन इंसानों के अंदर जानवरों में ये भी होता है कि दो जीन मिलके तीसरी चीज पर काम करती है। ये सारे टेस्ट हम आपको चैप्टर नंबर 8 जीन एंड वेरिएशन, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एपिस्टेसिस और इन तमाम इंटरेस्टिंग टेस्ट में बताएंगे। पहले ये सेल डिवीजन पढ़ लें आप। आपको सेल डिवीजन इतनी डिटेल पढ़ाई जा रही है तभी आप वहां तक पहुंच रहे हैं, वरना अगर सीधे सीधे पढ़ाई जाए तो आप इसको सिंपली रट लेंगे। ठीक है भाई? यस सर। अच्छा क्या कह रहा था पहले, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पर सेपरेट हो गए। ठीक है, पहले होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, फिर कौन से, फिर आपस में से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो एक दूसरे से सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे वो भी अलग हो गए। तो अल्टीमेटली बेबी के अंदर डॉटर सेल के अंदर, सेल की बात कर रहे हैं, वो दो दो चले गए टूटने के बाद।
ठीक है ना, ये डिप्लॉयड था, ठीक है, यहां तक भी डिप्लॉयड लिखा है, लिखा है, लिखा है डिप्लॉयड ही, देखिए आप क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे डिप्लॉयड ही आना चाहिए भाई, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हम टेट्रापोलाइड भी लिख सकते हैं इस जगह, सुन रहे हैं, देख रहे हैं पार्ट नंबर 1 के ऊपर, जी सर, हाँ 1 के ऊपर टेट्रापोल, क्योंकि 4 क्रोमोसोम्स नंबर है, 4 एन, यानी कि डबल के भी डबल, जिसको हम कहते हैं चबल, वो 4 होंगे तभी तो 4 डॉटर सेल में एक एक जाएगा, मैं समझता हूँ काफी कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी, यस सर, लेकिन और कुछ की कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ रही है मुझे यहीं से नजर आ रहा है, किसकी बढ़ रही है जल्दी बताएं, अभी दुआ सर ऐसे है ना कि कितने कितने सेल बनते हैं, मतलब मियोसिस के अंदर इतने सारे ये जो बन रहे हैं, मतलब एक में ही सेल में 4 बन रहे हैं, आप मुझे बताएं ये कितने सेल हैं, 4 ये 8 नहीं पहले कितने में टूटा, 2 में, 2 में, फिर ये 2 कितने में टूटे, इस दो ने 2 बनाया, इस दो ने 2 बनाया, टोटल कितने बने, 4 टोटल कितने बने, 4 ये 4 जो है इस सेल के बेबी है, लेकिन अब ये सेल कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इस सेल ने अपने आप को प्रोसेस करके पहले 2 में डिवाइड किया, फिर हर 2 ने अपने आप को मजीद 2-2 में डिवाइड किया, तो टोटल 4 बन गए, नहीं सर मतलब सिर्फ ये एक ही सेल होता है या ऐसे और भी सारे सेल होते हैं, वो भी अलग अलग उसमें भी होती है, बिलियंस ऑफ द सेल डू द मियोसिस, मेल में जब मिलता एक ही सेल है तो फिर इतने सारों का फायदा, फायदा क्या है, दैट इज द क्वेश्चन, याद रखिए जनाब मेल के अंदर प्रॉब्लम ये होती है सबसे बड़ी, चाहे इंसानों में हो, चाहे जानवर में हो, चाहे परिंदों में हो, चाहे किसी और ऑर्गेनिज्म में हो, कि मेल के स्पर्म ने ट्रेवल करना होता है, मसलन पोलन ग्रेन ने हवा के जरिए, कीड़ों के जरिए, पानी के जरिए उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और अब इतने सारे उड़ेंगे तो कुछ पहुंचेंगे फीमेल के पास, मसलन मैं अगर आपको कहूं कि आपके पास निशाना लगाना है आपने किसी बोतल पे, और मैं आपको सिर्फ एक पत्थर दूंगी इससे मारना है, लेकिन मारिश को दे दूं 10 पत्थर, खदीजा को दे दूं 40 पत्थर, हिबा को दे दूं 50 पत्थर, वरिषा को दे दूं 100 पत्थर, तो किसके चांसेस ज्यादा है, वरिषा के 100 पत्थर वाले के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसलिए मेल स्पर्म बहुत सारे बनते हैं, कि इतने सारे निकलेंगे तो कोई 2-3 तो पहुंचेंगे कम से कम, क्योंकि उसको धूप भी फेस करनी है, हवा भी फेस करनी है, पानी को भी फेस करना है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी फेस करना है, जबकि फीमेल का सेल एग मूव नहीं करता, वो वहीं पर स्टे करता है, अंडरस्टैंड नाउ, इसलिए फीमेल के अंदर कम होती है मियोसिस, यानी कि ऊ जेनेसिस का प्रोसेस फीमेल में कम होता है, सेवरल 100 सेल में होता है, और कुछ ओवाज बनते हैं, सिर्फ सेवरल ओवाज बनते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ओवाज बनते हैं, उनमें से कोई एक आध बेबी बना लेता है, कभी कभार 2 बेबीज बन जाते हैं, कभी कभार 3-4 बेबीज बन जाते हैं, मैक्सिमम रिकॉर्ड इस वक्त पाकिस्तान की एक सवात की खातून है जिन्होंने 11 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था, इंग्लैंड की एक खातून है जिन्होंने 8 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था, ये इंग्लैंड की और सवात की खातून ही कर सकती है, हमारे खातून तो एक में बेचारी पूरी हो जाती है, उसके बाद कहती है नहीं भाई अल्लाह ने एक दे दिया है काफी, ठीक है ना, तो ये प्रोसेस इसलिए मोस्टली एक ही होता है, कभी कभार ट्विंस हो जाता है, ठीक हो गया मैम, दुआ बेटा समझ में आया इतने सारे बनने का रीजन, यस सर, अच्छा चले मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगु करता हूँ, कोशिश करेंगे हम इस क्लास को यहाँ खत्म कर दें, मियोसिस 1 भी हम कल पढ़े, आप लोगों ने 3 Idiots मूवी देखी सर, आपने बात हमारी क्लास में डिस्कस की थी, हाँ क्या बताए अल्बिया बताई, डिस्कस कर रखी है पंजाब कॉलेज में की थी, जी 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 सर, जब अगर वो जब मूवी स्टार्ट करती होती है ना तो फरहान जो कहता है कि हम अपने ना करोड़ों में से ना एक निकल कर आए हैं, ये बात कुछ कहता है सर, आपने ये बताई थी कि 3 Idiots मूवी को सर गौर से देखिएगा, सर आपकी बात डिस्कस, माशाल्लाह सबसे सबने 3 Idiots सबने देखी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप में से कोई एक मेरी तरह इतना मासूम हो के ना देखी हो, पर मैंने भी देखी है क्योंकि मेरे उस्तादों ने कहा कि लाजमी देखें, मेरे उस्तादों ने लाजमी कहा कि देखें क्योंकि वो बड़ी, सर आपने भी बताया था कि आपके ना टीचर ने कहा था कि आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं उस मूवी में, यकीनन क्योंकि वो खुद मेडिकल के नहीं थे, उन्होंने कहा था मेडिकल के बाद, अच्छा तो फरहान ने एक बात कही थी, जो कार चलाता हुआ जा रहा था
कि यार लाइफ में सुना है कि दौड़ो आगे जाओ आगे जाओ, और जितना आगे जितना दौड़ोगे उतना आगे जाओगे और उतनी तरक्की मिलेगी। तो उसने कहा कि यार ये दौड़ का सिलसिला मेरे पैदा होने से पहले से शुरू हो गया था, दौड़ लगाने का सिलसिला। ये सिलसिला कब शुरू हुआ था? जब मैंने अपने करोड़ों बहन भाइयों को धक्का दे के या तेज दौड़ के पीछे छोड़ा था, दुनिया में आने की जंग जीती थी। जी सर, समझ में आई बात? जी सर, अब आ गई। यस सर, सर अब आई है बात समझ में। और ये आपको पता है एक वक्त में एक मेल कितने स्पर्म रिलीज करता है? मोर देन 1 मिलियन। 1 मिलियन। और जल्दी जल्दी और बताएं, यानी मैरिज 1 मिलियन में जीता था सर? बिलियन भी इसी से काउंट बताऊं? हां, 1.5 टीस्पून। टीस्पून कितने ज्यादा है? यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है। तकरीबन भी 2.5 करोड़, यानी के 25 मिलियन, 2.5 करोड़ स्पर्म रिलीज होते हैं। उन 2.5 करोड़ में से एक आध दफा, एक आध भी स्पर्म सक्सेस होता है ओवा तक जाने में, और फिर वो जाके जायगोट बन के बेबी बनता है। तो उसने फरहान ने वहां पर जाके बात करी कि ये दौड़ मेरी जिंदगी से पहले शुरू हुई थी, और मैंने अपने पत्नी कितने बहन भाइयों को हरा के ये जंग जीती थी जो आज मैं इस दुनिया में इंसान की सूरत में हूँ। अच्छा, इससे भी एक इंटरेस्टिंग बात करूं? जी सर। यहाँ पर सारे सुन रहे हैं? सारे सुन रहे? यस सर। जी सर, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं सर। तुम तो नहीं गई? नो सर। नो सर। ये इफ्रा है, चली गई है? इफ्रा बेटा, समझ में आ रही है बात? चले रिप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक और मैं इंटरेस्टिंग बात करूं, ये बताइए कि अल्लाह ने, अच्छा मुझे बताएं, पौधे में डीएनए है? यस सर है। जी सर है। यस सर। एनिमल्स में? जी सर बिल्कुल है। बर्ड्स में? बर्ड्स में भी है। इंसानों में? जी सर है। जी सर। यानी ये बात तो कंफर्म हो गई कि हर ऑर्गेनिज्म डीएनए से प्रोड्यूस हो रहा है। जी सर। रेड मिर्च में है ना? ये बात कंफर्म हो गई? जी सर। जी सर। कुरान में एक आयत है, शायद आपने सुनी हो किसी आलिम से, किसी मौलवी से, किसी, उन्होंने ये कहा है कुरान में कि ए इब्ने आदम, यानी अल्लाह इंसानों से मुखातिब है, या अय्युह अन्नास, ए इंसानों, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझसे वादा किया था आसमान पर कि जब तुम जमीन पे जाओगे तो मेरे बंदे बन के रहोगे? अच्छा, ये वादा सबसे लिया अल्लाह ने, सबसे तमाम इंसानों से, कि इब्ने आदम याद करो उस वक्त को जब हमने तुमने हमसे वादा किया था कि जब मैं जमीन पे जाऊंगा तो या अल्लाह तेरा बंदा बन के रहूंगा, मैं किसी ताबूत की, मैं किसी शैतान की, मैं किसी गैर अल्लाह की इबादत नहीं करूंगा, मैं किसी ऐसी वैसी बात में नहीं पढ़ूंगा। तो मुझे बताएं, ये कुरान की आयत है, गलत हो सकती है? नो सर, कभी भी नहीं। नो सर, नहीं हो सकती। लेकिन सही कैसे है मुझे आप बताएं, आपको याद है वादे? नो सर, यही तो मैं सोच रहा हूँ, जब हम लोग जो है अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं थे तो कैसे वादा हमने कर लिया? और हमने कॉन्शियसनेस में नहीं तो वादा कैसे याद होगा? आपको अपने बचपन की बात भूल जाती है? यस सर, चंद बातें याद है बस। चंद बातें याद है जो बिल्कुल ही जिसमें पिटाई लगी होगी टाइट ना, या फिर कोई इसमें शाबाशी मिल गई होगी? यस सर, शाबाशी। चलिए, अच्छी बातें याद है, बुरी बातें याद ही रखता। बुरी बातें अम्मा को याद होगी बेटा, वो बताएंगे। यस सर, सही कहा। हाँ भाई, सबको याद होती है, बस जबान पर नहीं लाते। हाँ भाई, सबको अपना अल्लाह भी सतारो लो, इंसान भी सतारो, अपने आप खुद ही छुपाता है। जी सर बिल्कुल सही सही। हाँ भाई, वरीशा साइलेंट बैठी, बिल्कुल सो गई है क्या? नहीं सर। ना देखा, सोई भी नहीं है, जाग रही है? जी। तो बताइए, आपको वादे याद है? वैसे वरीशा बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करती है दीन की, ये बता दूं? नहीं सर, नहीं याद। अच्छा, आप में से किसी को याद है? नो सर। को याद होगा, सीधी तो पैदा भी नहीं हुए थे सर। सर इतने भी सीनियर नहीं है, आपसे तो जूनियर है, आपको भी नहीं याद होंगे।
नहीं मैं तो भी याद दिला हम में से कोई भी तब तो पैदा भी नहीं हुआ था जब ये हमने वादे किए हैं दुआ को याद है सर किसी को भी याद नहीं होंगे सर जो कुरान पढ़ेगा फिर उसी को याद रहते हैं सर वादे जो कुरान बार बार उसकी हानि करवाते हैं मेरा बच्चा मौलवी को भी नहीं पता बेचारे को हाफिज कुरान को भी नहीं पता आपको भी नहीं पता होगा भूल जाते हैं सर हम भूल जाते हैं ना नहीं पहले तो ये बात करें कि याद ही है कि वो वादे किए थे सर आपको भी याद होंगे पर पता नहीं वो याद है हमारी मैं जवाब देने लगा हूं क्योंकि सिर्फ 2 मिनट रहेगा जी सर अच्छा जवाब ये था कि ये बहस हमारे उल्मा के दरमियान छिड़ी और ये बहस शुरू ही मैंने की मैंने क़िबला ये कुरान की आयत की तरह तफसील तो करें कि आपको ये याद है तो कहने लगे बस अल्लाह ने कहा इसमें कोई शक वाली बात नहीं है मैंने कहा शक वाली बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ मैं कह रहा हूँ उसको मैं इत्मीनान कैसे करूँ कि आप मुझसे वादे किए थे अल्लाह ने मैं कैसे इत्मीनान करूँ तो बड़ी देर के बाद आए बाएं शाएं ये और वो ठीक है मैं आपको जवाब देता हूँ मुझे बताएं मैंने कहा कि पौधे में डीएनए आपने कहा है इंसान में है जानवर में है सब में डीएनए ऐसे ही है जी सर यस सर अब आप मुझे बताइए कि इसी डीएनए से कबूतर बन रहा है इसी डीएनए से गधा बन रहा है इसी डीएनए से बिल्ली बन रही है चूहा बन रहा है इसी डीएनए से पौधा बन रहा है आम का अमरूद का इसका इसी डीएनए से जो है वो चौपाए जानवर बन रहे हैं इसी डीएनए से इंसान बन रहा है आप जानवर क्यों नहीं बने आपके डीएनए इंसान क्यों बना सर क्योंकि डीएनए जो है हमारा डिफरेंट था तकरीबन तमाम डीएनए की सीक्वेंस आगे पीछे है डीएनए की जैसे सीक्वेंस आगे पीछे लेकिन एवोल्यूशन हुआ एवोल्यूशन की तो बात बहुत बात की मैं कह रहा हूँ कि आगे चले या पीछे आ जाए पार्ट डीएनए ही है एनिमल में हो या जानवर में हो पौधे में हो या और डीएनए का स्ट्रक्चर वही है जो वाटसन क्रिक्स ने बताया तमाम ऑर्गेनिज्म में वही है अलग तो नहीं है ना ठीक है वही डीएनए अब मसला है कि सब में वही डीएनए पाया जा रहा है गधे की लाश को जली हुई को लाश का डीएनए निकाला बता देगा जनाब एनिमल गधा था बेटा ये टाइम खत्म हो गया मैं आपको जवाब दे नहीं पाऊंगा ऐसा करते हैं ये टाइम जैसे ही खत्म होता है ना तो पहले 2 मिनट का सेशन कर लीजिएगा ये जवाब ले लीजिएगा वरना आप एंड तक कंफ्यूज रहेंगे ठीक है जब तक बात कर रहे ठीक है तो मुझे उस हमारे जब गुफ्तगु आगे चली तो पता ये लगा कि जो ये डीएनए है ना बेसिकली इंसान जब अल्लाह ने तमाम रूहों से वादा लिया एक और भी है कुरान के अंदर चले मैं सेशन को यहाँ पर एंड करता हूँ दोबारा शुरू कर रहा हूँ फिर आपको जवाब देता हूँ ठीक है फौरन आ जाइए ओके सर